जंगल। जनपद बिजनौर यूपी चांदपुर जलीलपुर के पास ग्राम नाईपुरा में एक कलयुगी बेटे ने फावड़े से काटकर अपने बाप की हत्या कर दी। मामला जलीलपुर के पास ग्राम नाईपुरा गांव का है। इस लड़के को शराब पीने का शौक था। शराब पीने के लिए पैसे न देने पर ये लड़का अपने घर से अनाज चुरा कर बेचता था। बाप के मना करने उसने अपने बाप को अपने ही घर फावड़े काटकर हत्या कर दी। कोतवाली प्रभारी दुर्गेश कुमार मिश्र ने वह शीओ राजकुमार ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। चांदपुर से टहल कर अकेला है, गवाही देना तुम लोग, ये नहीं कि मतलब अब फिर कि भाई है। तुम्हारा पारुल क्या देखा तुमने, क्या मामला था यहाँ? ये फावला मार रहे थे, मैंने छीना फावला, फावला नहीं छोड़ा इन्होंने, फिर मेरे पे कुत्ते फावला लेकर मैंने दो डंडे मारे थे इनके, फावला नहीं छोड़ा इन्होंने, मैं ले रही थी। किन्होंने नहीं छोड़ा फावला? चाचा ने। और किन के ऊपर को मारे थे? दादा के। क्या नाम है आपका? मैं अपना नाम कमल सैनी, मैं ग्राम प्रधान पति। क्या मामला था? तो मामला ये घटना थी कि सतेंद्र कुमार अपने घर से अनाज चोरी करके ले गया था। बड़े मियाँ ने मना करी तो मना करने पर उन्हें विवादित में गाली गुप्तार करी और वो फावले से काट दिया। किस टाइम घटना लगभग? ये रात के लगभग 11 बजे की घटना। पुलिस में तहरीर दे दी गई है? पुलिस में तहरीर दे दी गई, पोस्टमार्टम के लिए लाश चली गई है। जी सर, जो ये जलीपुर क्षेत्र के गाँव नाईपुरा का मामला है सर, क्या पूरा मामला सर? हाँ, ये रात्रि का मामला है, नाईपुरा गाँव है। यहाँ पिता पुत्र में आपस में पिता से और पुत्र से झगड़ा हो गया था, किसी बात को घरेलू बात को लेकर। बेटे ने शराब पी रखी थी, इसके लड़के ने इसी आवेश में गुस्सा में आके किसी बात को लेकर उसने सिर में फावड़ा मार दिया अपने पिता के और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पंचनामा करके बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है और उसकी भाभी के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं विधिक कार्रवाई होगी, हम लोग करेंगे। मुलजिम अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, वो भागा हुआ है।